सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय दिनी ब्लॉग। तो गाइज आज के इस ब्लॉग में अभी हम घर से थोड़ा सा दूर यहाँ पर एक पहाड़ है वहाँ पर भी जा रहे हैं घूमने। तो गाइज वहाँ पर जहाँ भी घूमेंगे जो कुछ भी करेंगे और पिक्चर्स भी क्लिक करवाएंगे सब कुछ करेंगे, सब कुछ ब्लॉग में आपको दिखलाने वाले, इस ब्लॉग में सब कुछ इंक्लूड करेंगे। ब्लॉग पसंद आएंगे ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर जो है कि हम पहाड़ के पास पहुँच चुके हैं। पहाड़ों में 1 जनवरी में भी हम यहाँ पर आए हुए थे, बट उस दिन प्रॉपर हम यहाँ का वीडियो नहीं बना पाए थे। यहाँ पर एक और अमेजिंग चीज़ है, वो वीडियो के आपको आगे पता चलेगा, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। या देख सकते हो पहाड़ आपने देखा ही हुआ था, यहाँ पर बाइक लगा लिया भैया यहाँ पर है, एंड इधर देख सकते हो कुछ इस तरह का पहाड़, और यहाँ पर हम साथ में कैमरा भी लेके आए हैं। तो यहाँ पर जो है कि गाइस फोटोज़ भी हम लोग क्लिक करवाएंगे, ठीक है, तभी जाएंगे। यदि गाइस आप लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, इधर पूरा ठेला ये सब चाट चाउमीन का लगा हुआ था, ऊपर पूरा भीड़ लगा हुआ था 1 जनवरी के दिन। 1 जनवरी हम यहीं पर आए थे ब्लॉग बनाने, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, और अभी गाइस देख सकते हो एकदम सन्नाटा है पूरा चारों ओर ऐसे ही, क्योंकि इसीलिए हम सोचे थे कि किसी एक शांत दिन आएंगे और यहाँ का प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर एक और चीज़ है जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वहाँ देख सकते हो गाइस सामने आपको वहाँ एक पत्थर दिख रहा होगा, उस पत्थर गाइस एक यूनिक पत्थर है। अभी चलिए हम उसका खासियत दिखाते हैं क्या यूनिक है। तो गाइस हम उस पत्थर के सामने आ गए और चलिए हम दिखाते कि उसमें क्या यूनिक चीज़ है। ये देख सकते हो सामने पत्थर, यहाँ पर कुछ छठ पूजा का लिखा हुआ, सामने देख सकते हैं झुनझुनवा यहाँ पर लिखा हुआ, झुनझुनवा पहाड़ वैसे इस पहाड़ का नाम है। और गाइस झुनझुनवा इसलिए नहीं रखा गया, मैं इसके बारे में बताता हूँ कैसे पहाड़ का नाम रखा गया, क्योंकि ये जो गाइस पत्थर है जो मैं यूनिक पत्थर बार बार नाम बोल रहा हूँ, गाइस इस पत्थर से आवाज़ करता है। लोग बिलीव नहीं करेंगे बट इस पत्थर से यदि आप कुछ पत्थर यहाँ पर मतलब क्लिक कीजिएगा, मतलब ऐसे ऐसे कीजिएगा तो एक डिफरेंट ही आवाज़ आता है, लगता है कि अंदर कुछ मेटल कोई धातु है या फिर कुछ सोना चांदी इस टाइप का कुछ धातु तरह का अंदर से आवाज़ आता है। जैसे कि हम यहाँ पर आपको लाइव दिखलाते हैं, एक पत्थर हमने ले लिया, ठीक है, और इसको मैं बजा कर दिखाता हूँ। इस हाथ में मैंने कुछ नहीं पहना, पहले भी मैंने वीडियो बनाया था तो लोग बोले कि हाँ तो भाई तुम कड़ा पहनो इस कारण से सौरा, बट यहाँ पर देखिए अब हम आपको बजा के एकदम लाइव दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पत्थर है और देखिएगा बजाते हैं, कुछ अलग तरह का कुछ आ रहा है, मेटल तरह का फील एकदम लगेगा ना कि यहाँ पर कुछ, देखिए सामने सुनिए पत्थर का आवाज़ नहीं आ रहा, जैसे कि हम कोई दूसरा पत्थर पर करके दिखाते हैं, जैसे कि हम इस पत्थर पर क्लिक करते हैं वैसा आवाज़ नहीं आएगा, जैसे यहाँ पर हम किए वैसा आवाज़ नहीं आ रहा, बट इस पर क्लिक करते हैं, देखिए इसमें हम डल करते हैं अलग ही आवाज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए यूनिक पत्थर है, सिर्फ इसी पत्थर का ऐसा है, बाकी और किसी में नहीं है, सिर्फ इसी में है जो कि ऐसा आवाज़ आता है। तो गाइज इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये यूनिक पत्थर है, एक पहाड़ का नाम इसीलिए झुनझुनवा पहाड़ पड़ा है। यहाँ पर बहुत लोग आते हैं और जो इसके इस पहाड़ के बारे में जानते हैं, इस पत्थर के बारे में जानते हैं, एक बार ज़रूर आते हैं यहाँ पर ट्राई करना सही में आवाज़ करता है कि नहीं, बट हाँ रियल में आवाज़ करता है, मैंने अभी आपको लाइव दिखाया, ठीक है। यदि वैसे आप लोग यदि आना चाहते हो तो यहाँ पर आ सकते हो, औरंगाबाद बिहार में एक सुंदरगंज एक जगह है वहाँ पर ये मतलब स्थित है, यहाँ पर आप आकर देख सकते हो, एक बार ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस तो आगे थोड़ा सा जा रहे हैं पिक्चर्स क्लिक करवाने, उधर जो है कि बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहा है तो पिक्चर क्लिक करने में मज़ा नहीं आ रहा, तो आगे जो कि हरियाली इधर देख सकते हो सब धान का इधर खलिहान जैसे इधर रखा हुआ है, सब गांव वाला फूल फीलिंग है, और सामने देख सकते हो हरियाली काफ़ी मस्त लग रही है।
तो यहाँ पर देख सकते हो कि हम उस वाले लोकेशन पर पहुँच गए। यहाँ पर देख सकते हो कितना मस्त यहाँ पर लोकेशन, सामने देख सकते हो सनसेट हो रहा है, इधर देख सकते हो फुल हरियाली एकदम दिख रही है सामने में। तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक करवा लेते हैं। सो गाइस, तो यहाँ पर हम पिक्चर क्लिक करवा रहे हैं, देख सकते हो सामने वहाँ भैया पिक्चर क्लिक कर, और बहुत ही मस्त यहाँ पर नज़ारा आ रहा है। यहीं पर देख सकते हो कैमरा में पता चल रहा है कैसा बैकग्राउंड आ रहा है, बहुत ही मस्त यहाँ पर पिक्चर आ रहा है। तो कुछ यहाँ पर कुछ क्लिक करवा लिया और भी कुछ कर लेते हैं। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैं यहीं पर फोटोज़ क्लिक करा रहा था, नीचे में देख सकते हो चना का साग और खेसारी का यहाँ पर साग आप देख सकते हो, ये सब लोग गांव में खाते हैं नमक के साथ। ये देख सकते हो ब्लू ब्लू फूल है, इसको लोग खाते हैं, इसमें फला नहीं है उसका इस्तेमाल किया जाता है, इधर फला हुआ तो नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर चना जो है कि बहुत कम है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हो खेसारी का साग यहाँ ब्लू ब्लू है, खाने में बहुत मज़ा आता है, इसको लोग चटनी भी बना कर खाते हैं। तो काफ़ी मस्त यहाँ पर नज़ारा एकदम हो रखा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ठंडे के समय में ही ये जो कि यहाँ पर ये सब जो है कि फलता लोग इसको रोपते हैं यहाँ पर, इसका यहाँ पर रोपते हैं और इसको तोड़ तोड़ के मार्केट में भी लोग बेचते हैं और इसको घर पे भी खाया करते हैं। बहुत ही मस्त है यहाँ पर, इस तरह का नज़ारा आपको गर्मी में देखने को नहीं मिलेगा, ठंडे में ये सब फरता है। और देख सकते हो काफ़ी प्लीजेंट मौसम हो रखा है। और गाइस यहाँ पर बहुत लोग जो है कि आते हैं इस पहाड़ के पास, यहाँ पर देख सकते हो हम अभी उधर लोकेशन पे थे, अभी इधर आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत लोग आते हैं और लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर बजा कर देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो अंकल लोग भी यहाँ पर बजा कर देख रहे हैं और कह रहे कि हाँ सच में यूनिक जो है कि अलग आवाज़ आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हो मैं दिल बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखो अंकल बजा कर दिखाते हैं। देखिए रियल में जो है कि मेटल यहाँ पर धातु की तरह, यहाँ पर देखिए लगता है कि कुछ अंदर आयरन है लोहे का सामान। तो गाइज अब चलिए हम चलते हैं ऊपर की ओर, आगे इधर पहाड़ ऊपर चलते हैं। और गाइज जिस तरह से मैं यहाँ पर कैमरा लेकर चल रहा हूँ, जैसे लग रहा है कि कहीं हम शादी में फ़ोटो खींचना है या वीडियो बनाने हैं, वैसा मत सोचिएगा, शादी का काम नहीं करते हैं, बस खुद अपने खुद के लिए लिए हैं। जैसे ही घूमते हैं, घूमना मुझे पसंद है, घूमेंगे और फोटोज वोटोज क्लिक करते चलते हैं, बस शादी वादी में काम नहीं करते हैं। सो गाइज तो यहाँ पर हम ऊँचाइयों पर चढ़ चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हो ऊपर से काफ़ी प्यारा नज़ारा है। 1 जनवरी को भी यहाँ पर आए थे, बस बहुत भीड़ होने के कारण हम ऊपर नहीं चढ़ पाए थे, चढ़ते चढ़ते एकदम पूरा हफने लगे। और उधर देख सकते हो कि नदी भी है और उधर खेत है, तो काफ़ी हरा भरा दिख रहा है। अभी उधर पिक्चर क्लिक कराने गए थे और ऊपर से काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। ऐसे देख सकते हो मिनी उत्तराखंड इन बिहार, उत्तराखंड मिनी है। यहाँ पर बर्फबारी, बर्फ यहाँ पर देखिए बर्फ नहीं गिरता है, बट यहाँ पर धूप ही गर्मी में बहुत गिरता है, ठीक है, बट मिनी उत्तराखंड इसको कह सकते हो। बहुत ही ऊंचा यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पे भी बारिश में जो है कि पत्थर उत्थर खींच सकते हैं, बट लैंड स्लाइडिंग नहीं होता है, ठीक है, तो इसको मिनी उत्तराखंड हम बोलते हैं। सो गाइज तो ब्लॉग को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे शाम होते जा रहा है और गाइज अब फिर अंधेरा जो है कि दिखना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए बढ़िया से वीडियो भी नहीं आएगा। तो गाइज ये ब्लॉग को हम यहीं पर करते हैं एंड। ब्लॉग पसंद आती है तो ब्लॉग को क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सबसे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और हाँ गाइज, यहाँ पर कैमरा से हम पिक्चर भी क्लिक करवाए हैं, तो गाइज वो सब पिक्चर आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप इंस्टाग्राम पर जाकर MrRanveer03 सर्च कीजिएगा एंड फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर सारा पिक्चर्स मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी न्यू और नए ब्लॉग के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।